अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका सिक्का बनाया, फिर अलग अलग बनाया, किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। समस्या एक कारण दो भाई, बिल्लू को वापसी दे लो, अपना निपट दे लो। मोदी जी एमएसपी पे कानून बनेगा, देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी, देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, जिस तरह से गैस के सिलेंडर पे जनता से अपील करी कि सब्सिडी छोड़ने की, अब प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि जो सांसद है, जो विधायक है, जो एमपी है, जो वो पेंशन ले रहे हैं, वो कितने लोग पेंशन छोड़ देंगे। ऐसा 12 करोड़ से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिनकी जोत 2 हेक्टेयर से भी कम है, और ये आंदोलन उसी का ही तो है। तो प्रधानमंत्री ये बोलना कि हमें उनकी चिंता है, और हमें भी तो उनकी चिंता है। सभी रास्ते बंद नहीं हुए, कृषि मंत्री बातचीत कर रहे हैं आपसे, पीएम ने ये कहा है, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया पहले सबसे पहले? और बातचीत कर रहे होंगे, हमने काम नहीं करा, बात कर लो। प्रधानमंत्री ने सर बोला कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? अरे वे उड़ जा रहे, कानून बने, एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको, ये काम। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये कानून है वो छोटे किसानों के लिए है, सीमांत किसानों के लिए है, और उनके प्रति सरकार जो जिम्मेवारी है सरकार। अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका सिक्का बनाया, फिर अलग अलग बनाया, किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है सर, प्रधानमंत्री ना छोटा बड़ा है ना वो है, ये छोटे का ही तो आंदोलन है, ये बड़ों का तो आंदोलन नहीं। ठीक है सर, प्रधानमंत्री जी का कहना ये है कि जो कृषि बिल है उसमें समस्या या समाधान दोनों में से एक रास्ता निकल सकता है। समस्या या समाधान? समस्या ही कारण दो भाई, बिल्लू को वापसी दे लो, अपना निपट दे लो। मोदी जी एमएसपी पे कानून बनेगा। मोदी जी ने ये भी कहा कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तभी भी लोग प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन ये टाइम जो प्रोटेस्ट है ये है पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिशियंस आपको मोटिवेट कर रहे हैं। पॉलिटिक्स वाले तो है ही नहीं आज, कहाँ है पॉलिटिक्स वाले, वो दिखाऊंगे, वो आ रहे हैं मिल रहे हैं आपसे, ऑपोजिशन वाले तो रहे ना, उनके टेंट लग रहे, अपना प्रदर्शन कर रहे ना कहीं बाहर, कहीं कुछ नहीं कर रहा। हाँ अब आगे समझ में, या किसान किसान बिरादरी है, वो बिरादरी है आंदोलन करने वालों की, आंदोलन। हाँ तो ठीक ही तो आया, किसान बिरादरी आएगी और इस किसान बिरादरी के साथ में सब लोग आगे। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा, भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी, देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह से फ्लाइट के टिकट एक ही दिन में 4 बार उनके टिकटों के रेट ऊपर नीचे होते हैं, इसी तरह से अनाज की कीमतें, किस आदमी को किस टाइम पे कितनी भूख लगेगी उसकी कीमत, देश में अनाज की कीमत भूख पे तय नहीं होगी। उन्होंने बोला कि अभी रास्ते अभी भी खुले हैं, सदन के रास्ते के थ्रू भी हम न्योता दे, जमीन से जोड़कर कहा है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है यार, तुम्हें दिक्कत हो रही है। दूध की भी ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, बाहर से दूध बहुत निर्यात हो रहा है, देश का किसान जो दूध उत्पादन करने वाला है वो मर गया पूर्ण रूप से, लागत ज्यादा है और दूध में जो बिकता है वो कम रेट में बिकता है, पानी से सस्ता देश में दूध बिक रहा, आज भी ग्रामीण उसमें 22 से लगा के और 28 रुपए किलो तक का दूध बिकता है, इससे खर्चा नहीं चलता, उसका भी एक रेट फिक्स हो। लेकिन इस उदाहरण को उन्होंने जमीन से जोड़ते हुए कहा है कि आप लोग कह रहे हैं जमीन चली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जबकि पशु नहीं जाता है, उनका ये जोड़ते हुए कहना है। पशु की बहुत संख्या घट गई है देश में, जाएंगे जमीन नहीं बर्बाद होगी, पशु नहीं होगा तो जमीन नहीं रहेगी, तो पूर्ण रूप से ये है कि जो टर्की के हालात है वो यहाँ पे नहीं होने देंगे, वहाँ पे आज एक भी पशु नहीं है। राकेश जी आपके हिसाब से गतिरोध कहाँ है? गतिरोध ये है, आप प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए जिस तरह से गैस के सिलेंडर पे जनता से अपील करी कि सब्सिडी छोड़ने की, आप प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि जो सांसद है, जो विधायक है, जो एमपी है, जो वो पेंशन ले रहे हैं, वो कितने लोग पेंशन छोड़ देंगे।
हमारे नौजवानों को पेंशन नहीं है और मेंबर पार्लियामेंट और इनको पेंशन है, तो एक अपील प्रधानमंत्री जी उनके लिए भी कर दें कि जो विधायक एमपी पेंशन छोड़ दे उसका धन्यवाद करेगा ये मोर्चा। नहीं अगर वे बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा मोर्चा बात करेगा, हमारी कमेटी बात करेगी, हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है। दर्शन पाल ने ये कहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो फार्मर्स की गवर्नमेंट है अब उसका वक्त आ गया, वो गवर्नमेंट को एनडीए से निकालना चाहिए, तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है किसान नेताओं का क्योंकि अब पॉलिटिकल होते जा रहा है, क्या जा रहा है? नहीं नहीं कोई पॉलिटिकल नहीं है, वहाँ की जनता की आवाज होगी तो कहा हो। ठीक है साहब, उत्तराखंड में जो हुआ है क्या किसान वहाँ के लोगों की मदद करेंगे? मदद करेंगे और हमने पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सब लोगों को जो जिले लगते हुए वहाँ पर जाएंगे जो त्रासदी होगी उसके लिए संज्ञान में है, प्रशासन को जिस चीज की जरूरत होगी वो बताएं, हर जिले के हमारे यूनिट उनकी मदद करेगी और उत्तराखंड में जिस चीज की भी जरूरत होगी हर मोर्चे से किसान वहाँ पे, पहले भी जब वहाँ पे गढ़वाल में उसमें त्रासदी हुई तो वहाँ पर लोग गए और हम पूर्ण रूप से उन लोगों की मदद करेंगे। एक सवाल और है कि जो सदन में चर्चा हुई उसको लेकर प्रधानमंत्री ने सवाल खड़ा किया कि बात केवल आंदोलन को लेकर है, मूल मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, विपक्ष भी उस पर चर्चा नहीं कर रहा है। नहीं नहीं हम चर्चा करना चाहते, हमने तो कहा है ना कि बिलों को वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बनाओ, ठोस नीति एमएसपी पे बननी चाहिए, देश के किसानों को उसी से ही लाभ होगा। ये कहा है, कह रहे हैं कि कृषि मंत्री पूछ रहे हैं कि कानून में काला क्या है, इसके जवाब हमने ये कहा कि जब वे अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो पहले वो सब वो काला निकाल दें जो बचेगा फिर देखेंगे, पहले वे तो निकाल लें, वे 15 संशोधन करना चाहते हैं उसमें, वे पहले 15 करें और फिर बतावे, तो इसका मतलब काला है, वे बतावे कौन कौन सा काला है। वो एक नई जमात पैदा हो गई है जो आंदोलन के बगैर नहीं रह सकती, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सीए में भी देखे गए थे और इन आंदोलन में भी देखे जा रहे हैं, यहाँ तो नहीं कोई आया। ऐसा 12 करोड़ से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिनकी जोत 2 हेक्टेयर से भी कम है और ये आंदोलन उसी का ही तो है, तो प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि हमें उनकी चिंता है और हमें भी तो उनकी चिंता है भाई। पहले जो 2 हेक्टेयर से किसान कम लोग हैं पहले उनकी 6,000 से बढ़ा के उनकी आमदनी बढ़ा दो, उनकी पहले 24,000 कर दो, सेकंड फेज में दूसरे का उन किसानों का कर्जा माफ कर दो, पहले छोटे किसानों का कर्जा माफ हो जाए। ठीक है, थैंक यू सर।